हेलो एवरीवन, निकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन अ साइक्लॉइड। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप हिट कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टडी करना है हाउ टू ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन अ साइक्लॉइड। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक साइक्लॉइड ड्रॉ किया हुआ एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये एक सर्कुलर प्लेन का साइक्लॉइड है और ये फॉर वन रिवॉल्यूशन ये सर्कुलर प्लेन का साइक्लॉइड आपको दिख रहा है। अब ये साइक्लॉइड का ये जो कर्व है इसके ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन ये साइक्लॉइड बनता कैसे है, ये साइक्लॉइड के हमने इसके पहले ऑलरेडी नंबर ऑफ वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस इसके पहले हमने अपलोड किए थे। आप वो सभी वीडियोस में जो भी हमने बताया है वो आप अच्छे से पहले स्टडी करिए। अगर आपने वो वीडियोस अभी भी अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस का लिंक दिया है, आप वो सभी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। तो वो देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इस टाइप का साइक्लॉइड कैसे बनता है। वैसे चार टाइप के साइक्लॉइड आते हैं। अभी देखिए ये जो स्क्रीन पे आपको साइक्लॉइड दिख रहा है उसमें पॉइंट पी का पोजीशन नीचे में है। एक और साइक्लॉइड आता है जिसमें पॉइंट पी का पोजीशन ऊपर होता है, फिर एक पॉइंट पी का पोजीशन लेफ्ट साइड में होता है, फिर एक पॉइंट पी का पोजीशन राइट साइड में होता है। ऐसे नंबर ऑफ साइक्लॉइड्स होते हैं। तो आइए ये जो साइक्लॉइड आपके सामने है इसमें हम लोग कैसे टेंजेंट ड्रॉ होता है वो हम लोग देखते हैं। तो आज जो हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है वो सिर्फ ये एक ही टाइप के साइक्लॉइड के ऊपर ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। देखिए ये जो स्क्रीन पे आपको साइक्लॉइड दिख रहा है सिर्फ इसी पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, जितने भी इसके टाइप्स हैं जिसमें पॉइंट पी ऊपर हो, कभी लेफ्ट साइड में हो, कभी राइट साइड में है, जितने भी इसके टाइप्स हैं सभी टाइप के जो भी साइक्लॉइड है उनमें हम आपको टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना वो हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो अंत तक आप पूरा देखिए ताकि साइक्लॉइड में टेंजेंट ड्रॉ करने का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो एक पॉइंट ले लीजिए, हम यहाँ का ये एक पॉइंट ले लेंगे पॉइंट M, हमें ये M पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इसलिए हमने वहाँ पे पॉइंट M ले लिए। देखिए हमें ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। कभी कभी कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, कितने लेंथ पे, वो सब कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है। अभी यहाँ पे दिया नहीं है तो हमने यहाँ कहीं पे भी यहाँ एक पॉइंट M ले लिए, हमें ये M पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए कंपास में सर्कल का रेडियस ले लेंगे, जो भी सर्कल का रेडियस है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। कंपास में सर्कल का रेडियस हमने ले लिया, देखिए, और ये सर्कल का रेडियस लेके इसका सेंटर पॉइंट M पे रखना जहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखिए सेंटर जो है हमने पॉइंट M पे रखा और ये देखिए ये सेंटर की लाइन है, ये देखिए सर्कल के सेंटर की लाइन है ये, और ये सेंटर की लाइन पे आपको यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे कट करना है, देखिए ये जो सेंटर की लाइन है ये सेंटर की लाइन पे आपको ऐसे एक आर्क कट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था, वहाँ पे हमने सेंटर रख के ये सेंटर लाइन पे इधर हमने कट करे। तो जहाँ पे कट किए वहाँ पे हम पॉइंट मार्क करेंगे, और अब यहाँ पे हमने पॉइंट तो मार्क कर लिए और अब हमें यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू द बेस। तो रोलर स्केल का यूज़ करेंगे हम लोग, रोलर स्केल का यूज़ करके हम लोग ये पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए लेकिन यहाँ से हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, देखिए ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए रोलर स्केल को सर्कल के वर्टिकल डायमीटर के साथ पैरेलल सेट करते हुए हमने रोल करा के यहाँ तक लाए, देखिए, और अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द बेस आएगा, और जहाँ पे कट गया वहाँ पे हम नेमिंग दे देंगे एज अ एन। देखिए यहाँ पे कटा नीचे में, तो जहाँ कटा हम लोग वहाँ नेमिंग दे देंगे एन। और अब ये M और N हम ज्वाइन कर लेंगे स्केल से, तो ये हम M N ज्वाइन कर रहे हैं स्केल से, देखिए
तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये है नॉर्मल, ये जो हमने ड्रॉ किए MN, ये है नॉर्मल, और ये नॉर्मल पे परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। देखिए प्रोटेक्टर को आपको ऐसा रखना है, नॉर्मल के ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लेंगे हम। तो ये हमने 90 डिग्री का एंगल लिए और अब हम इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो बन रहा है ये है टेंजेंट। देखिए ये जो लाइन बनी है जो आप लोग देख पा रहे हैं ये है टेंजेंट। इसको आप एरो से भी आप शो कर सकते हैं, एरो नहीं दिए तो भी चलेगा। टेंजेंट के ऊपर हम लिख लेंगे टेंजेंट। तो ये है टेंजेंट और नॉर्मल ये है MN, नॉर्मल के ऊपर हम लिख लेंगे नॉर्मल। तो इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ। तो कैसे ड्रॉ हुआ एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए हमें ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना था, वहाँ पे हमें सर्कल का रेडियस लेके, सर्कल का रेडियस लेके हमने सेंटर हमने M पॉइंट पे रखे और सर्कल के सेंटर वाली लाइन पे कट करे और जहाँ पे कटा वहाँ से वर्टिकल लाइन नीचे तक ड्रॉ किए बेस तक, और जहाँ पे कटा वहाँ पे N नाम दे दिए। MN को ज्वाइन करके हमने नॉर्मल बनाए और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ हुआ साइक्लॉइड। ये टाइप वन था। अब इसमें और तीन टाइप आते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये तीन टाइप आप लोग देख पा रहे हैं, ये टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री और आते हैं। अब ये जो टाइप वन है इसमें पॉइंट पी का पोजीशन ऊपर है, ये टाइप टू था इसमें पॉइंट पी का पोजीशन लेफ्ट साइड में है, और अब ये टाइप थ्री एक और है उसमें पॉइंट पी का पोजीशन राइट साइड में है। अब यहाँ पे किसी का साइक्लॉइड कर्व ड्रॉ नहीं है, देखो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम है पॉइंट पी ऊपर में है तो इसका कर्व कुछ ऐसे बनता है, देखिए ऐसा बना। ये जो नेक्स्ट है उसमें पॉइंट पी लेफ्ट साइड में है तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए ऐसा कुछ बनेगा। और ये जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें पॉइंट पी का पोजीशन राइट साइड में है तो उसका कर्व कुछ ये ऐसा बनेगा। वैसे इन सभी के वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आप सभी वीडियोस इसके पहले के देख सकते हैं। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दिया है। तो ये सभी साइक्लॉइड कैसे बनते हैं वो सभी वीडियोज़ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे। तो देखिए अब इन सभी में टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मान लो हमें ये साइक्लॉइड में यहाँ पे अगर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट M, ये साइक्लॉइड में हमें मान लो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है हम इसको कहेंगे पॉइंट M, और ये साइक्लॉइड में अगर मान लो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है यहाँ पे नहीं यहाँ पे चलो यहाँ पे ड्रॉ करते तो यहाँ पे हम पॉइंट M कहेंगे। तो देखिए सभी साइक्लॉइड में हमने पॉइंट M मार्क कर लिए हैं जहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, और अब हम वही करेंगे जो इसके पहले किए थे। सर्कल का रेडियस कॉम्पास में ले लेंगे, सर्कल का रेडियस का यूज़ करके ही आप ड्रॉ करेंगे। सर्कल का रेडियस वो पॉइंट M पे रखेंगे जहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और सेंटर लाइन पे आप इसको कट करेंगे। सर्कल का जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर आप कट करेंगे, देखिए सेंटर लाइन के ऊपर कट करना, वहाँ पे हमने कॉम्पास का सेंटर वहाँ रखे और अब ऐसे सेंटर लाइन के ऊपर कट किए, और जहाँ पे कट गया वहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो और वहाँ से वर्टिकल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन बेस तक आपको ड्रॉ करना है। वर्टिकल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किए, ये देखिए एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए और नीचे बेस में जहाँ कटा उसको हम N दे देंगे, और ये हो गया नॉर्मल, वहाँ पे हम N लिखेंगे, ये बन गया नॉर्मल। और अब ये नॉर्मल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपका टेंजेंट बन जाएगा। तो ये बन गया टेंजेंट ये टाइप में। उसी तरह का कुछ यहाँ करना है। अब हम वही फिर से रेडियस कॉम्पास का लेंगे और फिर से हमने रेडियस लेके ये ड्रॉ किया है, और ये देखिए यहाँ से सेंटर लाइन पे कटने के बाद यहाँ से वर्टिकली बेस तक आप ड्रॉ करो लाइन, और वहाँ पे N कहेंगे और वो M से ज्वाइन करते हुए नॉर्मल बनेगा। तो ये बन गया नॉर्मल,
और नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा वो रहेगा टेंजेंट। तो अगर इस टाइप का साइक्लॉइड हो तो आपको कुछ ऐसे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने का टेक्निक सभी में सेम है, बस आपको एक समझ में आना चाहिए तो सभी समझ में आएंगे। अब देखिए ये थर्ड इसमें भी हम वही करेंगे, रेडियस का लेंथ लिए हमने, एम पे रख के हमने सेंटर लाइन पे कट करे, जहाँ पे कट करिए वहाँ पे पहले हमने लाइन ड्रॉ करके वहाँ से वर्टिकली परपेंडिकुलर बेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करे, नीचे के नीचे में जहाँ कटा वहाँ पे हम एन कहेंगे और ये एम और एन ज्वाइन करके नॉर्मल बनाएंगे और अब ये नॉर्मल पे परपेंडिकुलर, तो ये बन गया टेंजेंट। तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने स्टडी किए हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट इन अ साइक्लॉइड। तो ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ इसको शेयर करिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।